ये देखिए बहुजन समाज के प्रवासी मजदूरों की कैसी दशा हो गई। ये चंडीगढ़ का दृश्य है। सभी प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं और लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि रोज खाने कमाने वाले गरीब लोग हैं। आज कोई काम काज नहीं रहा, इसलिए अपने गाँव जाना चाहते हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इनके घर पर पहुँचाया जाए। मजदूर व्यक्ति हैं जो यहाँ पे चंडीगढ़ के कंपनियों में काम कर रहे हैं, इनका सहयोग किया जाए और इन्हें जाने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं है। और हमारे जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि मोदी जी इन सारे बच्चे गरीब बंदे जो भी है यहाँ व्यक्ति बेचारों को ना खाना पीना कुछ नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो आप हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं उनसे इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये चक्कर है बस। और बाकी कोई दिया नहीं, 500 रुपए से क्या खर्चा हो जाएगा। जस्ट जस्ट फैमिली है लोग के साथ में, लेकिन इनके 500 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। इनको अपना घर भेज दिया जाए। जी हाँ, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। आखिर कब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा? ऐसे और ना जाने कितने हजारों लाख गरीब प्रवासी मजदूर देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। इससे लगता है कि ये सब सरकार की बिना तैयारी के देश को लॉकडाउन करने का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।